90s के दौर में हिंदी सिनेमा में एक हास्य अभिनेता राज किया करता था, जिसे लोग जॉनी लीवर कहकर पुकारते थे। उस दौर में अगर 100 फिल्में बनती तो 80 फिल्मों में पहले से ही कॉमेडियन के कैरेक्टर के लिए जॉनी लीवर को तय कर दिया जाता। उनकी कॉमेडी इतनी ज्यादा कमाल की होती कि सिनेमा देखने आए दर्शक हीरो तक को भूल जाते और याद रहते सिर्फ जॉनी लीवर। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आखिर उनके साथ हुआ क्या था कि वो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए थे? क्या आपको पता है कि उनके घर पर आई कैंसर की बीमारी ने कैसे उनका करियर तबाह कर दिया था? क्या आपको पता है कि इस महान कॉमेडियन को एक साजिश के तहत कैसे फिल्मों से गायब कर दिया गया? आइए हम आपको आज जॉन प्रकाश राव जानूमाला के जॉनी लीवर बनने से लेकर उनके करियर तबाह होने तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। जॉनी की स्टोरी आपको हैरान कर देगी। जॉनी लीवर वैसे तो आंध्र प्रदेश के एक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनके माता पिता बंबई के धारावी में रहा करते थे। जॉनी की माँ जब गर्भवती थी तो वो आंध्र के ओंगोल जिले में अपने घर चली गई थी। वहीं जॉनी लीवर का जन्म हुआ था। पैदा होने के एक महीने बाद ही जॉनी लीवर को उनका परिवार धारावी लेकर चला आया था। इनके दादा चर्च के पुजारी हुआ करते थे। उन्होंने पहले ही आदेश दे दिया था कि अगर लड़का होगा तो नाम जॉन रखा जाएगा। बस दादा के आदेश पर उनका नाम जॉन राव रख दिया गया। अब जॉन राव जॉनी लीवर कैसे बन गए, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। जॉनी का बचपन बहुत गरीबी में बीता। पिता हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करते और शराबी थे। जो भी कमाते शराब में उड़ा दिया करते। हालत ये थी कि जॉनी की स्कूल फीस भरने तक का पैसा उनके पास नहीं हुआ करता। इसीलिए 7वीं क्लास में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। वैसे स्कूल में ही जॉनी लीवर को दूसरों की मिमिक्री करने का काफी ज्यादा शौक था। वहां भी वो टीचरों की नकल किया करते थे। स्कूल से जब निकाल दिया गया तो घर के सबसे बड़े बेटे थे और कमाकर घर चलाने के बारे में सोचने लगे। उनकी उम्र लगभग 14 साल रही होगी। घर के पास ही एक सिंधी कैंप था जहां सिंधी लोग रहा करते थे। एक सिंधी से उनकी दोस्ती हो गई। सिंधी उन्हें जब भी मिमिक्री करते देखता तो वो बड़ा नाराज होता और कहता कि कुछ काम धंधा कर। जॉनी पूछते कि क्या करूं। सिंधी ने कहा कि मैं सड़क किनारे पेन बेचता हूँ, क्या तू बेच लेगा? जॉनी ने कहा बिल्कुल। तब सिंधी ने उन्हें एक पेन का पैकेट पकड़ा दिया और कहा चल बेच के दिखा। दोनों एक साथ पेन बेचने लगे। दिन के 20-25 रुपए कमाई हो जाती। मगर इसके बाद एक बड़ी मजेदार घटना हुई। जॉनी पेन बेचकर घर जा रहे थे। रास्ते में शर्मुखानंद हॉल पड़ा जहां कार्यक्रम चल रहा था। अंदर पहुंचे तो महान कॉमेडियन दिनेश हिंगू मिमिक्री कर रहे थे। कभी ओम प्रकाश तो कभी अशोक कुमार की आवाज निकालकर खूब तारीफें बटोर रहे थे। बस यहीं से जॉनी लीवर को एक आइडिया आ गया। वो पेन बेचते लेकिन अपनी आवाज में नहीं, कभी दादा मुनि तो कभी ओम प्रकाश की आवाज में। अचानक उनके इस टैलेंट की वजह से उनकी पेन की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोग उनकी मिमिक्री सुनने आया करते और पेन भी खरीद लेते। 20-25 रुपए की कमाई कुछ ही समय में 200-250 रुपए पहुंच गई। कुछ साल यही काम किया, लेकिन जब 18 साल के हुए तो पिता ने उन्हें हिंदुस्तान लीवर कंपनी में नौकरी दिलवा दी। मगर पिता उनकी मिमिक्री से बहुत ज्यादा परेशान रहते। वो अक्सर कहा करते कि तू मुझे कभी स्टेज पर मत दिखना, लेकिन जॉनी लीवर छुप छुपा कर स्टेज पर चले ही जाते और अपने अफसरों की मिमिक्री किया करते। 1977 की बात है, एक बार एक प्रोग्राम उनकी कंपनी का यूनियन लीडर भी देख रहा था। वो जॉनी से इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो स्टेज पर चढ़ गया और जॉनी से माइक छीन कर बोला कि आज से इसका नाम जॉनी राव नहीं जॉनी लीवर पुकारा जाएगा। बस उसी दिन से जॉन राव जॉनी लीवर बन गए। अब ये फिल्मों में कैसे पहुंचे, ये दिलचस्प किस्सा भी हम आपको सुनाते हैं। कंपनी में नौकरी करने के साथ साथ जॉनी लीवर छोटे मोटे मिमिक्री शोज भी किया करते थे। उनके साथ दो म्यूजिशियन भी काम किया करते, मुशर्रफ खान और किशोर भाम। खुशकिस्मती से वो दोनों उन दिनों कल्याण जी आनंद जी के लिए भी काम किया करते थे। एक बार उन्होंने जॉनी से कहा कि चल तुझे आज कल्याण जी आनंद जी से मिलवाते हैं। उन दिनों उन दोनों की तूती बोला करती थी।
कल्याण जी आनंद जी से मुलाकात हुई और बस वहीं से जॉनी के दिन बदल गए। इनके शोज देश और विदेश में हुआ करते थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे बड़े बड़े अभिनेता भी शामिल हुआ करते थे। जॉनी लीवर भी इन शोज में हिस्सा लेने लगे और इसी दौरान इनकी एक ऑडियो कैसेट भी निकल आई। इसके बाद एक बड़ी मजेदार घटना हुई। 1980 की बात है, एक दिन जॉनी कल्याण जी के ऑफिस में कैरम खेल रहे थे। अचानक साउथ का एक प्रोड्यूसर कल्याण जी आनंद जी से मिलने पहुंचा। बातों ही बातों में जब कल्याण जी ने उसकी फिल्म के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि फिल्म तो पूरी हो गई है, बस कॉमेडी के दो सीन्स बाकी हैं। जगदीप के साथ अगर एक छोटा मोटा कॉमेडियन मिल जाए तो बात बन जाए। अचानक कल्याण जी ने जॉनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है ना कॉमेडियन, इसे ले जाओ। बस अगले ही दिन प्रोड्यूसर जॉनी को अपने साथ चेन्नई ले गया और फिल्म पूरी करवाई। 1981 में विनोद मेहरा और राज बब्बर की ये फिल्म आई थी जिसका नाम था ये रिश्ता ना टूटे। इसी फिल्म से जॉनी ने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा। अगले ही साल उन्हें सुनील दत्त की दर्द का रिश्ता भी मिल गई। काम तो मिल रहा था लेकिन पहचान नहीं बन पा रही थी। इसके बाद 1986 में गोविंदा के साथ उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था लव 86। इस फिल्म में उत्तम के किरदार में उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिल गई। यहीं से उन्हें अगली फिल्म मिल गई जिसका नाम था जलवा। इसमें मुथु का किरदार लोगों को भा गया। इसके बाद 1988 में आई हीरो हीरालाल फिल्म के कांस्टेबल और तेजाब फिल्म में मुन्ना के दोस्त के किरदार में जॉनी ने खूब तालियां बटोरी। इसके बाद 1989 में इन्हें चालबाज फिल्म में जॉनी बाबा तांत्रिक का किरदार मिला जो ऑडियंस को खूब पसंद आया। फिर तो किशन कन्हैया का लोगो हो या फिर नरसिम्हा का टेम्पो दादा, सारे किरदारों ने दर्शकों को खूब हंसाया। जॉनी लीवर आगे बढ़ते गए लेकिन अभी वो किरदार आना बाकी था जिसके लिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। अब्बास मस्तान शाहरुख खान और काजोल को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्हें एक नौकर का किरदार चाहिए था जिसे भूलने की बीमारी होती है। इस रोल के लिए उन्हें जॉनी पसंद आ गए। 1993 में ये फिल्म आई, नाम था बाजीगर। उनको इस फिल्म में बाबू राव का कैरेक्टर मिला था। शाहरुख खान के बाद अगर इस फिल्म में दूसरा कोई किरदार याद रह गया तो वो जॉनी लीवर ही थे। बाजीगर फिल्म के बाद जॉनी लीवर 90s के सबसे बड़े कॉमेडियन बनकर उभरने लगे। 90 का कोई ऐसा साल नहीं रहा जिसमें जॉनी लीवर की 8 से 10 फिल्में ना आती हों। खासकर गोविंदा और जॉनी लीवर की जोड़ी ही पूरे बॉलीवुड पर छाई हुई थी। दोनों दिन ही नहीं रात में भी शूटिंग किया करते। कई बार तो जॉनी लीवर का सोते सोते ही मेकअप कर दिया जाता। 90s के दौर में जॉनी लीवर की फीस बड़े बड़े अभिनेताओं की फीस से ज्यादा होने लगी। आलम यह था कि बड़े बड़े अभिनेता होते हुए भी अगर फिल्म में जॉनी लीवर का कोई एक सीन भी हो तो वो भारी पड़ जाया करते थे। 1997 में आई जुदाई फिल्म में एक से बढ़कर एक अभिनेता थे, लेकिन उस फिल्म में जॉनी लीवर का अब्बा जब्बा जब्बा वाला कैरेक्टर सब पर भारी पड़ गया। अपने हुनर के दम पर उन्हें गाड़ी बंगला शोहरत इज्जत सब हासिल हो गई। वो कामयाबी के सातवें आसमान पर उड़ रहे थे लेकिन अचानक साल 2000 में वो फिल्मी पर्दे से गायब होने लगे। जो अभिनेता हर दूसरी फिल्म में नजर आ जाया करता था वो अब कभी कभार ही दिखने लगा। क्या आपको पता है इसकी वजह क्या थी? चलिए हम आपको बताते हैं। जॉनी ने 1984 में सुजाता नाम की एक लड़की से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे हुए, बेटी जिमी और बेटा जैजी। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक साल 2000 में किसी की बुरी नजर इनके परिवार को लग गई। इनके बेटे जैजी के गले पर एक गांठ उभर आई। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है, पर जैसे जैसे ये गांठ बड़ी होती गई तब सबको चिंता होने लगी। बेटे जैजी को लेकर जॉनी लीवर नानावटी अस्पताल पहुंचे। यहां जांच हुई तो पता लगा कि वो कैंसर की गांठ थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने चीरा लगाकर गांठ निकालने की योजना बनाई लेकिन जैसे ही चीरा लगा तो पता चला कि वो गांठ नसों में दबी हुई थी। ऐसे में वापस उसे सिलना पड़ा। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर गलत नस कट गई तो ये जिंदगी भर के लिए अपाहिज या अंधा हो सकता है।
या फिर जान भी जा सकती है। सब ने बोल दिया कि अब आपका बेटा कुछ ही समय का मेहमान है। बेटे के इस गम ने जॉनी को अंदर से तोड़ कर रख दिया। उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और बेटे के गम में शराब सिगरेट के नशे में डूब गए। फिल्म मेकर्स की लाइन लगी रहती लेकिन वो सबको मना कर देते। बेटे को कभी इस चर्च तो कभी उस चर्च ले जाया करते। 2 साल तक इसी तरह बेटे को लेकर वो भटकते रहे लेकिन फिर एक दिन चमत्कार हो गया। साल 2002 की बात है, एक पादरी ने उनसे कहा कि इसे न्यूयॉर्क के अस्पताल में ले जाओ, गॉड इसे ठीक कर देगा। हर तरफ से हार चुके जॉनी सिर्फ गॉड से ही उम्मीद लगाकर बैठे थे। वो बेटे को उसी अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने चेक किया और 10 ही दिन में ऑपरेशन कर बेटे की गांठ निकाल दी। इस चमत्कार ने जॉनी को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया कि वो एक्टिंग वैक्टिंग सब भूल गए और चर्च में अच्छे कामों में लग गए। सालों तक वो एक्टिंग से दूर रहकर बाइबल के उपदेश देश विदेश में सुनाते रहे। कुछ सालों बाद उन्होंने दोबारा वापसी की कोशिश की लेकिन इस बार उन्हें साजिश ले डूबी। हुआ ये कि जॉनी लीवर की वापसी की खबर सुनकर फिल्म मेकर्स दोबारा उनके पास आने लगे। उनको गोलमाल, ऑल द बेस्ट या गोलमाल रिटर्न जैसी और भी कई बेहतरीन फिल्में ऑफर हुई। जब फिर से जॉनी का नाम होने लगा तो वो बड़े हीरोज को अपने लिए खतरा दिखने लगे। वो जानते थे कि अगर जॉनी फिर से लय में आ गए तो उनका पत्ता कटते देर नहीं लगेगी। इसीलिए बड़े बड़े स्टार्स ने मिलकर इनके खिलाफ साजिश शुरू कर दी। जॉनी लीवर के सीन्स एडिट होने लगे। लीड हीरोज डायरेक्टर्स पर दबाव बनाकर जॉनी के डायलॉग्स अपने नाम करवाने लगे। इस साजिश ने फिर से उभर रहे इस बेमिसाल अभिनेता का फिल्मी करियर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कुछ ही सालों में जॉनी को काम मिलना ही मुश्किल हो गया। बॉलीवुड से गुमनाम हुए जॉनी इन दिनों फिर वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वो स्टेज शोज करके परिवार का गुजारा करते हैं। वो परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं। दोनों बच्चों को उन्होंने लंदन में पढ़ाया। जॉनी को अब कभी कभार ही फिल्में मिलती हैं। बदकिस्मती और साजिश इस बेमिसाल अभिनेता को ले डूबी। दोस्तों, आपको जॉनी लीवर कैसे लगते हैं और इनका कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आप तक हमेशा पहुंचाते रहें।